गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग प्रेसर डिज़ाइन प्रेसर मैक्सिमम अलाउेबल वर्किंग प्रेसर ये जितने प्रेसर रिलेटेड टर्म्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्टर्स आज हम उसके बारे में अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे सो बिफोर स्टार्टिंग टू डेज़ लेक्चर अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा दूसरों से शेयर कीजिए स्टार्टिंग विद टू डेज़ लेक्चर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होता है मेरे केमिकल प्रोसेस को कराने चलाने के लिए मेरे को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन की ज़रूरत होती है मान लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट है दो के का प्रेशर और थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड इसी कंडीशन में मेरा रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ये जो मेरी कंडीशन है ये होगा मेरा ऑपरेटिंग कंडीशंस और ये जो यहाँ पे दो के का मेरे को प्रेशर चाहिए वो होगा मेरा ऑपरेटिंग प्रेशर मींस वो नॉर्मल प्रेशर जिसमें मुझे अपने प्रोसेस को ऑपरेट करना है ये होता है मेरा ऑपरेटिंग प्रेशर अब हम बात करते हैं मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होता है मीन्स आप में, आपके सिस्टम आपका रिक्वायरमेंट है दो के का ऑपरेटिंग प्रेशर लेकिन मान लीजिए कि, कि किसी केमिकल के एडिशन का रेट इंक्रीज हो जाता है या फिर मान लीजिए आप कहीं गैस एडिशन करा रहे हैं उसका रेट इंक्रीज हो जाता है और आपके सिस्टम में मैक्सिमम मान लीजिए तीन के तक प्रेशर डेवलप होता है तो ये जो रनिंग कंडीशन में आपके सिस्टम में मैक्सिमम प्रेशर डेवलप होगा मान लीजिए तीन के का मैक्सिमम प्रेशर आपके सिस्टम में डेवलप होता है तो ये जो आपके सिस्टम में मैक्सिमम प्रेशर डेवलप होगा इसको आप बोलेंगे मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर होप आपको ऑपरेटिंग प्रेशर और मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब हम बात करते हैं डिजाइन प्रेशर का डिजाइन प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर होता है जहां पे आप अपने सिस्टम को डिजाइन करते हो और याद रखिएगा कि ये प्रेशर हमेशा ऑपरेटिंग प्रेशर से या फिर मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर से ये हमेशा ज़्यादा होता है डिज़ाइन प्रेशर को हमेशा फ़ाइव टू ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा लिया जाता है मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर से मींस डिज़ाइन प्रेशर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर प्लस फाइव टू ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर बिकॉज़ मान लीजिए कि मेरे प्रोसेस में तीन के तक प्रेशर जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने सिस्टम को फिर तीन के जी पे ही डिज़ाइन करूँगा आपकी कंडीशंस बोल रही हैं कि वर्किंग में मैक्सिमम प्रेशर इतना जा सकता है तो जो भी मैं अपना सिस्टम डिजाइन करूंगा वो हमेशा इस प्रेशर से मैं कुछ एक्सेस प्रेशर पे अपना सिस्टम डिजाइन करूंगा ताकि मान लीजिए कि आपका पूरा का पूरा प्रोसेस डेवलप करने में कुछ डाटा मिस हो गया हो कुछ और अगर एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होती भी है तो भी मेरा जो रिएक्टर है वो उस कंडीशन में भी सस्टेन कर जाए मीन्स किसी भी तरीके से मेरा रिएक्टर लीकेज नहीं होना चाहिए या फिर मेरा रिएक्टर फटना नहीं चाहिए बिकॉज ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो वो आपका एक फैटल कंडीशन डेवलप करती है इसीलिए डिजाइन प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एलाउएबल वर्किंग प्रेशर ये क्या होता है तो याद रखिएगा मैक्सिमम एलाउेबल वर्किंग प्रेशर ये वो प्रेशर होता है जो मैक्सिमम कोई भी केमिकल रिएक्टर झेल सकता है ये होता है मैक्सिमम अलाउेबल वर्किंग प्रेशर अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा आप समझिएगा मान लीजिए डिजाइन प्रेसर के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है पांच एमएम mm की सीट मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मान लीजिए आपका डिज़ाइन प्रेसर तीन के जी है उसके हिसाब से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सीट की थिकनेस पाँच एम mm. अब होता क्या है कि इसके ऊपर एक और चीज़ आती है वो होता है आपका क्रोजन अलाउंस जब आप पाइप की थिकनेस कैलकुलेट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्टर की सीट की थिकनेस आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें काफी सारी चीजें रोल प्ले करती हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रोजन अलाउंस ये क्या होता है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्टर को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ किया जाता है तो धीरे धीरे क्रोजन की वजह से उसकी थिकनेस कम होने लग जाती है तो एक उसमें अलाउंस ऐड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोजन अलाउंस उसके हिसाब से हम पहले ही केमिकल रिएक्टर्स को एक एक्स्ट्रा थिकनेस दे के रखते हैं मीन्स डिजाइन प्रेशर के हिसाब से मेरी एक थिकनेस हो गई लेकिन मैं उससे एक्स्ट्रा थिकनेस देता हूं कंसिडरिंग की वजह से मेरा कितना रिएक्टर डिटोरिएट होगा इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपका 3.2 पॉइंट mm टू की होती है मीन्स 5 एम mm एम का मेरा नॉर्मल रिक्वायरमेंट था उसमें मैंने 3.2 पॉइंट mm, टू उसमें मैंने 3.2 पॉइंट mm टू का एक्स्ट्रा आपका क्रोजन अराउंस की वजह से सीट ऐड किया मीन्स मेरे को अब रिक्वायरमेंट आया एट पॉइंट टू एम की सीट का लेकिन जब मैं मार्केट में मान लीजिए सर्च करने जाता हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे को थ्री पॉइंट टू एम की सीट चाहिए तो मेरे को उतनी ही सीट वहाँ पर मिलेगी नहीं ऐसा नहीं होता है मान लीजिए मैं मार्केट में गया वहाँ पर मेरे को पाँच एम mm की सीट अवेलेबल है मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट थी फाइव प्लस थ्री पॉइंट टू एम एम मीन्स एट पॉइंट टू एम की लेकिन मेरे को सीट मिलती है फाइव प्लस फाइव मीन्स टेन एम की सीट मेरे को वहाँ पे मिलती है अब रिक्वायरमेंट मेरा एट पॉइंट टू लेकिन जो मेरे को सीट मिली उसके हिसाब से मेरी टेन एम एम की थिकनेस हुई मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट से वन पॉइंट एट एम एम की थिकनेस मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गई है इसीलिए जो मेरी एक्चुअल में थिकनेस आई वो हो गई फाइव एम एम मेरी पहले थिकनेस थी और वन पॉइंट एट एम एम की मेरे को एक्स्ट्रा थिकनेस मिली मीन्स ये होता है मेरा सिक्स पॉइंट एट एम एम दोबारा समझिएगा रिक्वायरमेंट था मेरा पांच एम mm का लेकिन मेरे को जो थिकनेस मिली वो मिली सिक्स पॉइंट एट एम एम अब ये जो सिक्स एट एम एम की थिकनेस मेरे को मिली है इस थिकनेस पे मेरा रिएक्टर जो मैक्सिमम प्रेशर झेल सकता है वो होता है मेरा मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर होप आपको मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब ये जो मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर होता है ये जिन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में आप ऑपरेट कर रहे हो ये उसके हिसाब से आपका वेरी होता रहता है ये हायर होता है नॉर्मल एंड लोअर टेम्परेचर्स पे और डिक्रीज करता है आपका हायर टेम्परेचर्स पे टाइम के साथ में ये जो मैक्सिम अलाउेबल वर्किंग प्रेशर है इसकी वैल्यू आपकी रिड्यूस होती रहती है ड्यू टू वियर एंड टीयर क्रोजन एंड ऑल अदर रीजनस को इसीलिए जो आपके स्टोरेज वेसल्स होते हैं स्पेशली जो हाई प्रेशर वेसल्स होते हैं उनका एक पीरियड के बाद में बार बार प्रेशर टेस्टिंग आपको लेना पड़ता है ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि अब वो प्रेशर झेलने की कंडीशन के लिए ओके okay है या फिर नहीं है अब हम बात करते हैं हाइड्रोटेस्ट प्रेसर की अगर हम बात करते हैं हाइड्रोटेस्ट प्रेशर की तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है इसलिए मैं यहां ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा ये आपका जो भी पाइपलाइंस होती हैं गैस स्टेशन होते हैं बॉयलर्स होते हैं इनका टेस्टिंग करने का आपका प्रोसीजर होता है जिसमें हम कोई भी फ्लूइड वहाँ पर फ़िलअप करते हैं आई द देट फ्लूड मे बी सम सॉल्वेंट और बेसिकली द फ्लूड यूज इज़ बेसिकली वाटर उसको फिलअप करके हम अपने पूरे के पूरे सिस्टम की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि मेरे को मान लीजिए सात के के प्रेसर पर अपने सिस्टम को ऑपरेट करना है तो मेरा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो सात के का प्रेसर झेल पाएगा या फिर नहीं झेल पाएगा ये होता है आपका हाइड्रो टेस्ट तो याद रखिएगा कि जो हाइड्रो टेस्ट होता है इसका प्रेशर हमेशा 1.5 टाइम्स डिजाइन प्रेशर का होता है मींस मान लीजिए आपका डिजाइन प्रेशर है पांच के तो आपको हाइड्रो जो आप उसका लोगे वो लोगे साढ़े सात के जी पे आप उसका हाइड्रो लोगे ये फुली डिजाइन प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज मैक्सिमम जगह आपको टाइम टू टाइम हाइड्रोटेस्ट मारना पड़ता है प्रेशर सिस्टम्स का बिकॉज टाइम के साथ में धीरे धीरे क्रोजन की वजह से उनकी स्ट्रेंथ आपकी कम होने लग जाती है ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम अलाउेबल वर्किंग प्रेशर और हाइड्रोटेस्ट प्रेशर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसीलिए काफी ध्यान दे के इन दोनों के दोनों एक्टिविटीज को आपको कराना है सो so, होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक टिल देन गुड बाय है लाइफ डे